बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ रेशा कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। 3 पाव के करीब मैंने इसमें बीफ लिया है बोनलेस। ये मेरे पास 1 कप दाल है चने की, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ये इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये मेरे पास लहसुन है साबुत, ये 10 से 12 जवे हैं लहसुन के, ये इसमें डाल देंगे। अदरक है 1 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने काटी हैं तकरीबन 4 से 5, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास प्याज है कटी हुई, ये दरमियाने साइज की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसमें डालते हैं दालचीनी है मेरे पास, ये छोटे छोटे 2-3 टुकड़े हैं, आप 1 इंच का टुकड़ा डाल सकते हैं। और ये 2 मेरे पास साबुत बड़ी वाली इलायची है, ये डाल देंगे। और ये काली मिर्चें हैं तकरीबन 5 से 6, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, ये डाल देंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। नमक है, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, बाद में भी इसको चेक करके डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे। हल्दी पाउडर है, ये बिल्कुल 2 चुटकी इसमें मैं डालूंगी, या 1/2 टीस्पून के करीब, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप स्किप भी कर सकते हैं नहीं डालना चाहते तो। साबुत धनिया है, ये 1 टीस्पून है, ये इसमें डाल देंगे। और लास्ट में ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 2 टेबलस्पून है, ये इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप साबुत लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जो दाल और गोश्त है, ये सारी जो चीज़ें हैं, उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। पानी इसमें थोड़ा सा आपसे अगर ज़्यादा भी डल जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको इतना गलाना है कि पानी इसमें खुदा खुद खुश्क हो जाएगा और साथ में गल भी जाएगा। थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसका लिड लगाते हैं, और 25 से 30 मिनट आराम से आपने इसको मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है प्रेशर आने पर। 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें अभी भी इसमें पानी है, और चेक कर लेते हैं कि जो बीफ है वो गल गया है। ये देखें बीफ हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसको साथ साथ इसका पानी खुश करेंगे, और साथ साथ हम इसको एक डंडे के साथ या किसी भी घोटे के साथ इसको हम घोट लेंगे, ताकि जो इसकी जो ब्रेशें हैं वो ऐसे ही बरकरार रहें। फ्लेम ऑन करते हैं। अब ये इसी तरह का कोई भी आप जिसमें आप चटनी बनाते हैं जिसके साथ इस तरह का डंडा ले लें, और साथ साथ हम इसको पकाएंगे और साथ साथ इसको अच्छी तरह से घोटते जाएंगे, ताकि ये ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए इसका, और जो ये बीफ है इसके रेशे बन जाए। ये देखें पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, और इसके बड़े अच्छे से रेशे बन रहे हैं। आपने चॉपर वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उसमें आप ये बारीक तो हो जाएगा लेकिन इसके रेशे नहीं अच्छे वाले बनेंगे। ये रेशे जो इसके देखिए देखें कितने ज़बरदस्त से रेशे इसके रेडी हो रहे हैं। बस ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको फ्रिज में रख के थोड़ा देर ठंडा कर लिया था, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इसके ये रेशे बने हैं।
किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं है और बड़े आराम से ये बन जाता है। अब इसमें हम ऐड करते हैं बाकी स्पाइसेस और कुछ हरी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये ऑप्शनल है, बाद में आप डालना चाहें तो डाल लें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं थोड़ी पहले डाली थी, अब थोड़ी ही इसमें बाद में डाल रही हूँ। उसके अलावा है कुटा हुआ धनिया है, ये दरदरा सा किया हुआ, इसको मैंने ये 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ उसमें। और ये कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको भी मैंने दरदरा सा कर लिया था, ये भी 1 टीस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर है, ये भी इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैं आपकी आपके साथ इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और उसके अलावा ये हरी मिर्च है, ये भी जस्ट फ्लेवर और कलर के लिए मैं बाद में दोबारा ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 अदद। ये फ्रेश पुदीना है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और फ्रेश धनिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये पुदीना और धनिया आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कम ज़्यादा। और ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी, इससे कबाब जो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे कबाब बनेंगे। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो ये सारा मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से रेशे बने हैं। अब हम कबाब रेडी कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें एक और अंडा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पतला लगे तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दें, या इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे ये मैनेज हो जाएगा। इसको साइड पे करते हैं और कबाब बनाते हैं। आप किसी भी हाथ से बना सकते हैं, किसी भी इस तरह के टूल से बना सकते हैं, मेरे पास ये टूल है। तो हम कबाब बनाते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो उतार देते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बाकी की, आप इसको हाथ से अच्छी तरह इसकी इसको एक प्रॉपर शेप दे लें। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब रेडी हो गया है। इसको हम करते हैं साइड पे और इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। ये देखें कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, बाकी के कबाब मैंने फ्रीज़ करके रख दिए हैं, और आप इनको फ्रीज़ करने के बाद आसानी से 1 महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको फ्राई करते हैं। अब इनको फ्राई करते हैं, हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। अब इनको फ्राई करते हैं। हम इनकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है दूसरी साइड से भी, बस थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएं और अच्छा सा गोल्डन कलर हमारा आ जाए तो हम इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पहले से अच्छी तरह से पकी हुई है। देखें ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। ज़बरदस्त से क्रिस्पी से कबाब हमारे रेडी हैं और इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। ज़बरदस्त से हमारे बीफ रेशा कबाब रेडी हो गए हैं।
आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।